नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं और रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं। प्रदेश में अज़हरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ने का दावा करती हुई नजर आ रही है। पार्टी के नेता वारिस पठान ने एक बार फिर महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि MBA से इस बारे में बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, एक दो महीने में चुनाव हो जाएंगे, हम भी लड़ेंगे और AIMIM अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में लड़ता हुआ नजर आएगा। जानकारी के मुताबिक AIMIM नेता ने कहा, हमारा भी मकसद सिर्फ BJP को हराना है। हमारे नेता इम्तियाज जलील ने महाविकास अघाड़ी के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अगर आपका इरादा भी BJP को हराना है तो आइए हम साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर लड़ाई लड़ते हैं। इम्तियाज भाई ने उनको लेटर भी दिया है। उन्होंने आगे कहा, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और गेंद अब उनके पाले में है। उनका फर्ज बनता है कि वो आएं और इस बात पर चर्चा करें। चर्चा तो होनी ही चाहिए ना। संविधान ने जितना अधिकार कांग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी को दिया है उतना ही अधिकार AIMIM को भी है। हम तो पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि लोग बहुमत से नवाजेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। ऐसे में हालांकि अभी तक सीट बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत नहीं बनी है। आपको यहां ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक चुनावी कार्यक्रमों की किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर गई थी। जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की उम्मीद है और ऐसे में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से AIMIM भी अब महाराष्ट्र के चुनावी रण में कूदती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। देखना ये होगा कि मौजूदा शिंदे सरकार एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी या फिर एक नई सरकार का गठन महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN।